بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جئت لصلة الأرحام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا بزرگان محترم و نوجوانان اسلام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عزتیں فضیلتیں اور برکتیں دے کر اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا کہ وہ عزتیں اور برکتیں کائنات میں کسی بچے اور کسی نبی کو حاصل نہیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کیا اللہ نے آپ کے نام کی بھی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ سے پہلے دنیا کے اندر کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا گیا یہ آپ کے عروج بامسعود کی برکت تھی کہ آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے مکہ المکرمہ کی مردہ زمین بھی زندہ ہو گئی ہری بھری سرسبز اور شاداب ہو گئی یہ آپ کی برکت تھی کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال اللہ تعالیٰ نے صرف لڑکوں کو پیدا فرمایا لڑکیوں کی پیدائش ہی نہیں کہ ادھر بیٹی پیدا نہ ہو ادھر لوگ اسے زندہ دفن نہ کریں گویا آپ کی پیدائش ہی انسانیت کے لیے بالخصوص عورتوں کے لیے رحمت تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں بچے کو گود میں لے کر چلی
और अपने जानवर पर अपनी उस लागिर और ज़ईफ़ कमज़ोर ऊँटनी पर मैं सवार हो गई और मेरे शौहर मुझसे आगे बैठ गए। ऊँटनी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। मैं बच्चे को लेकर पीछे बैठी हूँ, मेरे शौहर आगे बैठे हैं, ऊँटनी आगे चलती नहीं। गैब से निदा दी गई, सजा दी गई कि ऐ हलीमा, ये ऊँटनी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इस बच्चे को आगे ना बिठाया जाए। ये बच्चा इमामुल अंबिया का सरदार है, कायद है, ये सबका इमाम है, सब इसके पीछे हैं। ये इतना बड़ा इमाम है कि जिब्राइल भी इसके पीछे खड़ा है। बच्चे को लेकर आगे बैठती हूँ तो ऊँटनी जाने लगी। क्या देखती हूँ कि ये ऊँटनी काबतुल्लाह के सामने सजदा करती है और अल्लाह ताला ने गोया उस ऊँटनी को ज़बान अता फरमाई कि आज मेरी तकदीर बदल गई, आज मेरी हैसियत बदल गई, आज मेरा मुकद्दर रोशन हो गया कि आज मेरी पुश्त पर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। ये इस बच्चे की रहमतों और बरकतों का जुहूर है। नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ ये गुजर गया। जहाँ इस बच्चे का कदम पड़ा वो ज़मीन सरसब्ज और शादाब हो गई, जहाँ इस बच्चे का कदम पड़ा सूखे कुएं सरसब्ज हो गए और सूखे कुएं सैराब हो गए, पानी उबलने लगा। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, चूंकि मैं कसीरुल अयाल था, बच्चे ज्यादा थे, मेरे घर में खाने में बरकत नहीं होती थी, रात को मेरे बच्चे खाना खाकर सोने के बावजूद भूख की शिकायत करते, लेकिन जैसा ही मेरा भतीजा मेरी कफालत में आया, मेरे घर के अंदर इसका कदम पड़ा, मुख्तसर और थोड़ा खाना भी सबके लिए काफ़ी हो जाता था, खाने में बरकत आ गई, बच्चे थोड़ा खाते थे और सैराब हो जाते थे। ये कैसा अजीब बच्चा है, ये कैसा बाबरकत बच्चा है। रात को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बच्चा मेरे साथ सोता, जब सुबह इस बच्चे को मैं उठाता तो आम बच्चों की तरह इसके बाल परागंदा नहीं होते थे, इसके चेहरे पर गर्द गुबार नहीं होता था, इसकी आँखों में इसकी नाक में गंदगी और गलाजत नहीं होती थी। जब मैं सुबह सवेरे बच्चे को उठाता तो देखता कि इसकी आँखों में सुरमा लगाया गया है, इसके चेहरे को सवारा गया है, ये कैसा बाबरकत बच्चा है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बच्चे को लेकर घर पहुंची। मैंने गुज़िश्ता जुमा सारी तफसीलात अर्ज कर दी। वो तो देहात था, आम तौर पर लोग वहां बकरियां चराने के लिए जाते थे,
بڑے عجیب و غریب طریقے سے میرا بچہ محمد ایک دن میں جسمانی اعتبار سے اتنا ترقی کر جاتا جتنا عام بچے ایک مہینے کی مدت میں پروان چڑھتے ہیں۔ میرا بچہ محمد ایک مہینے میں اتنا پروان چڑھ جاتا اور اس کی جسمانی ترقی ہو جاتی جس طرح عام بچے ایک سال کی مدت میں پروان چڑھتے۔ بڑی تیزی سے یہ بچہ آگے بڑھنے لگا، جسمانی اعتبار سے یہ مضبوط ہونے لگا۔ 3 سال اس سے کچھ زیادہ اس بچے کی عمر ہے۔ دیکھا بچے نے میری رضائی بہن سیما اور دوسرے بچے بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتے ہیں، صحرا میں جاتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، ضد کرنے لگے کہ میں بھی اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے اجازت نہیں دی کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک دن میں کچھ کام میں مصروف تھی، مجھے بتائے بغیر یہ اپنی بہن سیما کے ساتھ چلے گئے بکریاں چرانے کے لیے۔ میں آئی اور سیما کو میں نے ڈانٹا اور تنبیہ کرنے لگی کہ تو اتنی تیز دھوپ اور گرمی میں بچے کو لے کر آئی ہے۔ سیما نے بڑا عجیب جواب دیا کہ امی جان، یہ میرا عجیب و غریب بڑا بابرکت بھائی ہے۔ امی جان، میرے بھائی پر گرمی کا، دھوپ کا اثر نہیں ہوتا۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ بچہ جہاں جہاں جاتا ہے بادل اس بچے کے سر پر سایہ بن کر چلتا ہے۔ یہ بڑا بابرکت بچہ ہے۔ اور یہود و نصارہ تو قرآن خود کہتا ہے اس بچے کو اس طرح پہچان لیتے تھے، الذین یعرفون ابناءہم ویعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود و نصارہ اس بچے کو اس طرح پہچان لیتے تھے، اس کے چہرے انور کی علامتوں کو پڑھ کر، جان کر سمجھ لیتے تھے کہ یہ بچہ اس امت کا آخری نبی ہے، یہ بچہ دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ بچہ بتوں کی تباہی اور بربادی کا سامان بن کر آیا ہے، یہ بچہ سارے ادیان کو، دنیا کے تمام مذاہب کو، تمام دینوں کو ختم کر کے ایک دین کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بچہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، سید الانبیاء بن کر آیا ہے۔ یہودی بڑے غور سے اس بچے کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف۔ دوران سفر بصرہ کے ایک مقام پر درخت کے نیچے ہم نے آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور اپنے سامان کو وہاں جمع کر دیا۔ یہ بچہ ایک درخت تھا، اس کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ آرام کرنے لگے۔ سامنے ایک راہب کی خانخواہ تھی، اس کی اپنی خانخواہ تھی، عبادت گاہ تھی۔ اور راہب نستورہ راہب دیکھتا ہے اس قافلے کو، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، کبھی اس نے ہم سے بات نہیں کی، آج یہ راہب چل کر اپنی خانخواہ، اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل کر آیا اور ابو طالب سے، امیر قافلہ سے ملاقات کرتا ہے اور احوال دریافت کرتا ہے اور اس بچے کو بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ جاتے جاتے اس نے کہا، ابو طالب، آج میرے گھر میں آپ سب قافلے والوں کی دعوت ہے، آج دوپہر کا کھانا
आप मेरे साथ खाएंगे, इसकी दावत को मैंने कबूल कर लिया। और जब हम इसकी इबादतगाह में दाखिल हुए और जाकर दस्तरखान पर हम बैठ गए तो नस्तूरा राहिब आया और गौर से तमाम लोगों को देखने लगा और पूछा, कोई बाकी तो नहीं रह गया? बच्चे को हम साथ लेकर नहीं गए थे, वो बच्चा तो दरख्त के नीचे बैठा था, बच्चे को वहीं छोड़ कर गए थे। नस्तूरा राहिब ने कहा कि आपके साथ जो बच्चा था वो बच्चा कहाँ है? अबू तालिब ने कहा, मैंने उसे सामान के पास बैठाया है। नस्तूरा राहिब कहने लगा, ए अबू तालिब, लात उज़्ज़ा की कसम, उसी बच्चे की बरकत से मैंने तुमको खाने पर बुलाया है। ये ऐसा हो गया कि गोया बारात आई है लेकिन दूल्हा नहीं है। जाओ उस बच्चे को लेकर आओ, उसी बच्चे की वजह से मैंने तुम्हारी दावत की है। मैं उस बच्चे का इंतज़ार करता रहा, मैंने तौरात में उस बच्चे की अलामतों को पढ़ा है, मैं उस बच्चे की अजमतों को जानता हूँ। जाओ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि उसका कदम मेरे घर में पड़े। मैं जाकर बच्चे को लेकर आया, बड़ा हैरान था, अंदर से मैं खौफ ज़दा था कि किस तरह इसने बच्चे को पहचान लिया। मैं बड़ी हैरत से पूछने लगा, बताओ मेरे बच्चे के ताल्लुक से तुम्हें कैसा इल्म हुआ? उसने कहा कि इसका बाप कौन है, ये बच्चा कौन है? अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। नस्तूरा राहिब कहने लगा, नहीं, हरगिज नहीं हो सकता, इस बच्चे के आप बाप हो नहीं सकते। अबू तालिब ने कहा, नहीं, मैं ही इसका बाप हूँ। कसम देकर पूछने लगा, सच बताओ कि ये बच्चा यतीम है, इसका बाप नहीं हो सकता। अबू तालिब परेशान हो गए, कहने लगे, हाँ हाँ, ये मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा है, हाँ हाँ, मैंने तौरात में पढ़ा है, ये बच्चा माँ की पेट में 2 महीने के का होगा, माँ के पेट में इसका बाप दुनिया से उठा लिया जाएगा, इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं हो सकता। चुनांचे अबू तालिब ने पूछा, बताओ और तुमने इसके मुतालिक क्या पढ़ा है? नस्तूरा राहिब कहने लगा कि अबू तालिब, जिस दरख्त के नीचे इस बच्चे को बिठाया गया था, सुन लो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम का क़ियाम रहा है। इससे पहले आखिरी बंदा जो उस दरख्त के नीचे बैठा था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। कोई नबी ही इस दरख्त के नीचे बैठ सकता है। मैं इस बच्चे के चेहरे को देखकर समझ गया कि ये बच्चा इस उम्मत का आखिरी नबी है। उसने नसीहत की कि ऐ अबू तालिब, मेरी गुजारिश है आपसे कि मुल्क शाम में यहूदियों की कसरत है, यहूदी इस बच्चे के दुश्मन हैं, मेरी गुजारिश है कि आप इस बच्चे की हिफाजत की खातिर आप अपने सफ़र को मनसूख कर दें, आप इस बच्चे को मुल्क शाम ना ले जाएं तो बेहतर होगा। अबू तालिब ने तिजारत को ठुकरा दिया कि मेरी तिजारत मेरे बच्चे से बढ़कर नहीं है। सामान्य तिजारत को बसरा में फरोख्त करके हजरत अबू तालिब इस बच्चे को लेकर वापस आ गए। वयारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, इस बच्चे के चेहरे को देखकर यहूदी समझ जाते थे, क्यों ना हो, जिस बच्चे के चेहरे अनवर को देखकर काफिरों ने कलिमा पढ़ा हो उस बच्चे की इज्जत क्या होगी। जिस बच्चे को अल्लाह ताला ने अर्शे मुअल्ला पर बुलाने का फैसला फरमाया हो, जिस बच्चे के उंगली के इशारे पर चांद के टुकड़े होते हों, जिस बच्चे के उंगली के इशारे पर
आगे बढ़ने वाला सूरज पलट कर आ जाता हो, आखिर इस बच्चे की क्या इज्जत व अजमत होगी। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, देखिए इस बच्चे की पैदाइश ही से उम्मत को सबक मिलना शुरू हुआ। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं बच्चे को लेकर पहुंची और गोद में लेकर मैंने इसे बाएं जानिब का पिस्तान इसके मुंह में दाखिल किया तो बच्चे ने मुंह मोड़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, आप हमेशा दाहनी जानिब से किसी भी काम को करने का आगाज फरमाते थे। दाहनी जानिब से आप हर चीज़ को पसंद फरमाते थे, चाहे कोई भी काम हो, चाहे खाना पीना हो, कोई चीज़ तकसीम करना हो, किसी काम की इब्तिदा हो। ज़रा गौर करें, वो अहबाब जिनको बाएं हाथ से खाने में बड़ी शान महसूस होती है, बाएं हाथ से पीने में जो बड़ी शान और फ़ख्र महसूस करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बाएं हाथ से खाया पिया नहीं। खाने पीने के लिए आपने बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं फरमाया। हम उस नबी का कलिमा पढ़ते हैं जो जूता पहनते हुए भी दाहना कदम जूते के अंदर रखता। अल्लाह ताला ने दाहनी जानिब में बरकत रखी है, दाएं हाथ से खाया करो, दाएं हाथ से काम शुरू किया करो। कभी ये बच्चा बिस्मिल्लाह के बगैर कोई चीज़ इसने खाया नहीं, जूता भी पहनने लगता तो ये बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़कर जूता पहना करता था। इस बच्चे ने उम्मत को वह सबक पढ़ाया है, ज़िंदगी के हर मरहले पर इस बच्चे ने उम्मत को नसीहत फरमाई है, तलकीन की है कि ज़िंदगी में अगर तुम बरकत चाहते हो तो इस बच्चे की इत्तिबा करो, इसके उस्वे हसना, इसकी हयात तय्यबा को अपना कर चलो। बड़ा शौक़ होता है चंद लोगों को बाएं हाथ से खाने का, बाएं हाथ से कुछ करने का, बाएं हाथ से पीने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहने हाथ से खाते थे, दाहने जानिब के काम को पसंद फरमाते थे, बाएं जानिब का पिस्तान आपने कबूल नहीं किया। मैं बच्चे को उसकी करवट को बदल कर दाहने जानिब की पिस्तान मुंह में दाखिल करती हूँ तो ये बच्चा फौरन दूध पीना शुरू करता है। जब ये बच्चा दूध पीकर फारिग हो गया तो मैं बच्चे को करवट बदल कर बाएं जानिब की पिस्तान फिर दोबारा मुंह में देना चाहती हूँ तो इस बच्चे ने मुंह नहीं लगाया। क्या हिकमत थी इसके अंदर, क्या मसलिहत थी? आज का असल मजमून, आज का असल बयान यही है, गौर से सुनना मेरे मोहतरम भाइयों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी हमारे लिए नमूना है, इबरत है, नसीहत है, वाज है कि ज़िंदगी हम आपके उसूलों पर गुजार कर कामयाब हो सकते हैं। हजरत उलमा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है, बच्चे ने दाहनी जानिब का दूध पीकर बाएं जानिब की पिस्तान को इसलिए मुंह नहीं लगाया, ये बच्चा जानता है कि मेरी एक रजाई बहन भी है, मेरी एक दूध शरीक बहन भी है, मेरी एक बहन है। इस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो अपनी बहन का हक ज़ाय करे। ये बच्चा नहीं चाहता कि माँ की गोद में भी, बचपन में भी, जबकि ये बच्चा शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता शरीयत के अहकाम उस पर फ़र्ज नहीं होते। ये बच्चा जो शरीयत लाने वाला है उसकी शरीयत में बच्चे पर फराइज
की पाबंदी नहीं डाली जा सकती। वो बच्चा फराइज का और शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, लेकिन खुद इस बात पर अमल कर रहा है। उम्मत को माँ की गोद से इंसाफ का, अदल का पैगाम सुना रहा है, इंसाफ का सबक पढ़ा रहा है। देखो मैं छोटा बच्चा हूँ, मैंने सगी बहन नहीं, हकीकी बहन नहीं, बल्कि रजाई बहन है, दूध शरीक बहन है, लेकिन इसका हक भी मैं ज़ाये करना पसंद नहीं करता। मैं अपनी बहन के हक को खाना नहीं चाहता। सुने वो बदबख्त अहबाब जो आज बहनों को वरासती हक से महरूम करते हैं, उनके फराइज से उनको महरूम करते हैं। कुरान ने जिस बच्ची के हिस्से को मुकर्रर फरमाया, जिक्र फरमाया, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिल्लकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुमको वसीयत करता है कि लड़के के लिए दो लड़कियों के बराबर हिस्सा है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह सबक पढ़ाया। मैं अपनी रजाई बहन के हक को समझता हूं, तो कहीं तुम अपनी हकीकी बहन के हक को जाया ना करना। आपने इंसाफ की तालीम दी, इंसाफ करो, लोगों के दरमियान अदल को कायम करो। ग़ज़वे हुनैन का मौका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कैदियों को लाया गया, बांदियों को पकड़ कर लाया गया, औरतों को गिरफ्तार करके लाया गया। एक खातून भी गिरफ्तार होकर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के इंतज़ार में सारे गिरफ्तार होकर आए कैदी बैठे हैं, आपके फैसले के इंतज़ार में हैं। एक खातून हजरत सहाबे किराम को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सरदार, तुम्हारे आका से मैं मिलना चाहती हूँ। हजरत सहाबे किराम ने पैगाम पहुँचाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून आपसे मिलना चाहती हैं। आपने पूछा कौन है, सहाबा ने अर्ज़ किया, उसने कुछ बताया नहीं। मालूम करो कि कौन है। सहाबा आए, पूछा तू कौन है और क्यों मिलना चाहती है। उसने कहा जाओ तुम्हारे आका से कहो कि मैं उनकी रजाई बहन शीमा, मैं उनकी दूध शरीक बहन हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुँचाया गया। सुनिए ऐ मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल खुद उठकर आते हैं, उस औरत को अपने करीब बुलाते हैं। और लिखा है हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस औरत के एहतराम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अमामा उतार कर, अपने सर की चादर उतार कर ज़मीन पर डालते हैं और उस चादर पर अपनी रजाई बहन को बिठाते हैं, उम्मत को सबक देने के लिए कि देखो औरत माँ के रूप में तुम्हारे लिए जन्नत है, औरत बहन के रूप में तुम्हारे लिए इज्जत है, औरत बेटी के रूप में तुम्हारे लिए रहमत है, औरत बीवी के रूप में तुम्हारे लिए नेमत है। ये अल्लाह की बेहतरीन नेमत है, इनकी कदर किया करो, इनके हुकूक का लिहाज किया करो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज कितने नौजवान हैं, बल्कि आज कितने माँ बाप हैं जो अपनी सगी बेटियों का, हकीकी बहनों का वरासती हक उससे छीन लेते हैं। कुरान बाकायदा इसका जिक्र करता है और कुछ लोगों को उनका ये मानना है हम क्यों वरासती हक दें बहन को कि शादी और निकाह के मौके पर तो हमने इसको इतना जहेज दे दिया, जोड़े जहेज की रकम दे दी, सवारी दे दी, सेट दे दी, फुला फुला। मेरे नौजवान भाइयों याद रखना, शरीयत में
جہیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، جہیز کا مال حرام کا مال ہے، وراثت کا مال یہ فرائض میں داخل ہے، جہیز کا مال لعنت کا مال ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کی قسم، آج تک وہ نوجوان کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکے، کچھ حال زندگی نہیں گزار سکے جو سسرال کے ٹکڑوں پر پلتے، معاشرے میں کبھی ان کو عزت نصیب نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں ایک بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑے مالدار گھرانے کا داماد بنایا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ نہ بیوی عزت کرتی ہے، نہ خود اس کی اولاد عزت کرتی ہے، نہ اس کے نسبتی بھائی یعنی بیوی کے بھائی اس کی عزت کرتے ہیں، نہ سسرالی گھر میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ بڑا بھکاری ہے، بھکاری ہمارے گھر آیا ہے، جس گاڑی میں یہ پھرتا ہے یہ میرے باپ کی دی ہوئی ہے، یہ جو کپڑے پہنتا ہے یہ میرے باپ کا دیا ہوا نکاح کا جوڑا ہے، یہ جو چین ڈال کر شان کرتا ہے یہ میرے باپ کی دی ہوئی بھیک ہے، اس کے جسم پر پڑی ہوئی ایک ایک چیز کسی نہ کسی چھلے کی، چھٹی کی، کسی نہ کسی اس سسرالی رشتے کے گھر کی، شادی کی، نہ کسی عید کی سلامی ہے۔ سلامی نہیں، یہ بھیک ہے جو بھکاری اپنے گلے میں ڈال کر پھرتے ہیں۔ جہیز کا مال حرام کا ہے، جہیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہیز لینے والا مجرم ہے، جہیز کی لسٹ تیار کر کے دینے والا بھی مجرم ہے۔ آج جن بچیوں کو غیروں کا ہاتھ تھام کر جانے پر مجبور کر رہے ہیں، معاشرے کے یہ ظالم لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بھکاری بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج ان ظالموں نے، ان بھکاریوں نے ہماری نوجوان بچیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا، غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیا۔ آج ان ظالموں اور بھکاریوں نے ہمارے غریب لوگوں کو، معاشرے کے کم ترین افراد کو، انہوں نے گھر بیچنے پر مجبور کر دیا، انہوں نے لا کر لوگوں کو فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ باپ بچی کو نکاح کر کے رخصت کرتے ہوئے کان میں آ کر کہتا ہے کہ بیٹی میں نے تیرے نکاح کے لیے اس گھر کو فروخت کر دیا ہے، آئندہ جب شوہر کے ساتھ آئے تو فلاں گھر کو آ جانا، وہاں پر میں نے گھر کرائے پر لے رکھا ہے۔ آج کتنے گھروں کو اجاڑ دیا ان ظالموں اور بھکاریوں نے۔ یہ آیا یاد اے آرام جان اس نامرادی میں، ایک شاعر نے بیٹی کا نکاح کیا اور بچی کے نکاح کے لیے گھر کو فروخت کر دیا، جائیداد کو فروخت کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، خود برباد ہو گیا بچی کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ رخصتی پر بچی کے کان میں کہتا ہے کہ بیٹی فلاں جھونپڑ پٹی میں میں نے جھونپڑی کرائے پر لے لی ہے، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے میں نے اپنے گھر کو برباد کر دیا۔ بیٹی کو رخصت کیا، چند دن گزرے، ظالم اور سسرالی رشتہ دار نے، سسرالی گھر کے لوگوں نے اس بچی کو زندہ جلا دیا۔ لاش باپ کے گھر کو بھیجی گئی اور باپ بیٹی کی ناش کو دیکھ کر، اس کے جلے ہوئے جسم کو دیکھ کر، اس کے جلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اشعار پڑھتا ہے، یہ آیا اے آرام جان، یہ آیا یاد اے آرام جان اس نامرادی میں، یہ آیا یاد اے آرام جان اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں، اس چمن میں بہت سی کلیاں مجھے تڑپا گئیں، کیوں لگی تھی باغ میں کیوں بن کھلے مرجھا گئی، کاش تجھے میں
कफन का कपड़ा भी दे देता तो शायद अपना हक अपना फर्ज अदा कर। सुनो कान खोल कर माशरे के, ऐ वो जालिम लोगों, ऐ वो भिखारी लोगों जो आज बच्चियों को मरने मारने पर मजबूर कर रहे हैं, अल्लाह की कसम कियामत के दिन अबू जहल और अबू लहब फिरौन के साथ तुम उठाए जाओगे, अल्लाह तुम्हारा हशर नमरूद और हामान के साथ करेगा। जहेज की कोई हकीकत नहीं है, वरासत के ना देने पर पकड़ है, वो मुजरिम है बाप जो औलाद को उसके वरासती हक से महरूम करता है। मैंने चंद महीने पहले ये वाकिया अर्ज किया था, आज भी चूंकि ये उन्वान आ गया है अर्ज करूंगा, शायद इबरत हो नसीहत हो। अब भी मेरे फोन में वो तस्वीर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चंद महीने पहले एक मुसलमान नौजवान का इंतकाल हुआ, उसके जनाजे को लेकर लोग कब्रिस्तान पहुंचे, उसकी कब्र में उसे दफनाया गया। एक औरत भी जनाजे के साथ साथ चलती है और तदफीन में शरीक होती है। औरत का कब्रिस्तान में आना उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन ये कौन औरत है? लोग मैयत को दफन करके फारिग होते हैं, ये औरत कब्र पर जाकर खड़ी होती है। अल्लाह ये मेरा भाई था, 30 साल से इसने मुझे अपने हक से महरूम रखा। अल्लाह ये मेरा भाई है, इसने मेरे बाप की वरासत मुझे नहीं दी, अल्लाह तू भी इसे अपनी रहमत से महरूम कर देना। अल्लाह इसकी कब्र को तो इस पर तंग कर देना। अल्लाह इसने मेरे ऊपर जुल्म किया, अल्लाह तू इसकी मगफिरत ना करना। क्या हाल होगा उन लोगों का जो आज इस मर्ज में गिरफ्तार हैं? तौबा कीजिए, बाज आइए और अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह का रसूल माँ की गोद से उम्मत को सबक देता है कि सिर्फ नमाज रोज़े रखने वाला जन्नत का हकदार नहीं है, वो वकील वो लायर जो लोगों के मामलात अदालत में उठाता है और हक की ताईद करते हुए केस लड़ता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हक की ताईद करके केस लड़ने वाला वकील और लायर, उसका एक दिन अदालत में गुजारना और हकदारों का हक दिलाने के लिए केस लड़ने वाला, उसका एक दिन 60 साल की नफिल इबादत से भी अफजल है। सुने वो लायर अहबाब, वो वकील जो केस को तूल देते हैं, पैसा खाने के लिए फैसले पर नहीं आते। अल्लाह ने तुम्हारी बड़ी हैसियत रखी है, अल्लाह ने तुम्हारी बड़ी फजीलत रखी है। अर्श के साये में मेंबर व मेहराब पर खिदमत करने वाले इमाम को जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह सबसे पहले इंसाफ करने वाले बादशाह को बुलाएगा। अर्श के साये में जगह तुमको मिलेगी जो इंसाफ करेंगे, जो अदल के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इन्ना अंजल्ला इलैकल किताब बिल हक़ी वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा। ऐ मेरे हबीब, मुजरिम का साथ ना दें, हक के मुआफिक फैसला करें। जो किताब हमने आप पर उतारी है, हकदारों का आप हक दिलाएं और मजलूमों की आप फरियाद रसी करें, मजलूमों का आप साथ दें। इंसाफ लेने के लिए गरीब को घर बेचना पड़े तो वो माशरा मलऊन है, अल्लाह की नज़रों से गिरा हुआ है। लोगों का माल लूटने के लिए जो लायर जो वकील केस को तूल देते हैं, वो शैतान की औलाद हैं, वो शैतान के भाई हैं, वो शैतान की नस्ल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये जुल्म उनकी नस्लों तक वापस करेगा। आज दूसरों की नस्लों के साथ ज़्यादती करोगे, वो जुल्म और ज़्यादती पलट कर तुम्हारी नस्लों पर आएगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं जानिब के पिस्तान को मुंह नहीं लगाया कि ये मेरी रज़ाई बहन का हक है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा इस बच्चे को लेकर वापस आती हैं,
मक्कतुल मुकर्रमा 4 साल की उम्र का है बच्चा, क़ज़ाए हाजत के लिए गई, बच्चे को एक जगह बिठा कर जाती हैं, क़ज़ाए हाजत से वापस आती हैं, देखती हैं तो बच्चा गायब है, बच्चा गुम हो चुका है। इतनी ज़ोर से, इतने दर्द से धाड़े मार मार कर हलीमा सादिया आहो बका करने वाली करने लगी और रोने लगी, या मुहम्मद आहो या वलदा हो, हाय मोहम्मद, हाय मेरा बच्चा गुम हो गया, हाय मेरा बच्चा मोहम्मद मुझे नज़र नहीं आता। इतने दर्द से रोने लगी कि लोग आसपास के जमा हो गए। एक बूढ़ा ज़ईफ़ुल उम्र लाठी टेकते हुए कमज़ोर आंखें हैं आकर कहने लगा, ए वो औरत क्यों इतने दर्द से रोती है, तेरे दर्द ने हमारे कलेजों को फाड़ दिया, हमारे अंदर लर्जा तारी कर दिया, आखिर तेरे ऊपर क्या मुसीबत आई है। कहने लगी, बच्चे को लाई थी यहाँ बिठा कर गई थी लेकिन बच्चा गायब है, मैं तलाश करती हूँ नज़र नहीं आता। बूढ़े ने कहा, चल तुझे एक ऐसी जगह लेकर जाता हूँ, जब तू वहां पहुंचेगी और तू फरियाद करेगी तो जरूर तेरा बच्चा तुझे मिल जाएगा। ये बूढ़ा हलीमा सादिया को लेकर ऐसे मकाम पर पहुंचता है, उस मकाम को देखकर और ज्यादा हलीमा सादिया चिल्लाने लगी। एक ऐसा वाकिया वहां जाहिर हुआ, उस मकाम पर जैसे ही ये बूढ़ा हलीमा सादिया को लेकर पहुंचता है, अचानक वहां ऐसा वाकिया जाहिर हुआ जिसने हलीमा सादिया पर लर्जा तारी कर दिया, जलजला तारी कर दिया। आखिर वहां क्या वाकिया जाहिर हुआ, ये बूढ़ा कौन था और ये बूढ़ा हलीमा सादिया को लेकर कहां पहुंचा, वहां क्या हालात नजर आए, क्या वाकिया पेश आया, उसके अंदर क्या हिकमत है, आखिर वो बूढ़ा किसके पास इस बच्चे को तलाश करने के लिए गया, ये बच्चा कहाँ मिलता है, इस बच्चे को कहाँ तलाश किया जाता है। इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात आइंदा जुमा में आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूँगा। अल्लाह ताला इस बच्चे के बचपन को दौरे हाजिर के तमाम बच्चों को अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस उम्मत की जानिब से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन बदला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।